I live inside my own world of make-believe. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, आज आपको पता ही लग गया होगा कहाँ जा रहा हूँ। तो जी हाँ, आज इसकी 2 साल बाद इसकी सर्विस होने जा रही है भाई। काफ़ी देर से पड़ी थी, अब बुलेट आए तो बुलेट को ही चला आ रहे हैं और कुछ ऐसा मौका भी लग रहा कि इसको दिखाऊं, तो इसलिए आज बड़ी मुश्किल से ऐसे मैंने रिहान भाई को और उनके जो अंकल हैं उनको ढूंढा था, जो इन्होंने इतनी प्यारी सर्विस की बुलेट की। वैसे ही उनके रिकमेंडेशन से एक और शॉप मिली है मेरे को, तो कह रहे हैं कि वो मैकेनिक जो है वो बहुत अच्छे हैं और परफेक्ट काम करेंगे। बाकी बुलेट का भी आया था तो इसको भी आजमा के देख रहे थे, क्योंकि सर्विस सेंटर का जैसे जो यहाँ वहाँ ऑनर है उन्हें पता होगा कि भाई ओखला में कितना बड़ा फेक पंती निकली है। जो ओखला सर्विस सेंटर में था वो भाई नकली माल सेल कर रहा था, अपने नकली प्रोडक्ट अपने सेल कर रहा था, तो इसकी वजह से वो बंद हो गया। तो आगे विश्वास तो अब उठ ही गया थोड़ा, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत सर्विस कराई थी। अरे वहाँ की पहले ओखला जाता था हमेशा, वो थोड़ा अच्छा है भाई, बड़ा है, तो उसके चक्कर नहीं करा पाया। बाकी मैं एक बार लेके गया था, इसलिए इस बार बाहर से ही कराएंगे। और बाकी मैं बाहर जहाँ पर वो शॉप है हॉल में ही है, तो वहाँ पर लेके गया था, उन्होंने देख लिया था। मैंने बोल दिया था भाई सामान ऑर्डर कर दो, आप ओरिजिनल ले आओ सामान, मैं आपको पे कर दूंगा, बाकी आप सामान ओरिजिनल ला के डाल दो बस। देखो भाई, मैकेनिक सही होना चाहिए, बाकी सामान तो कोई भी डाल देता है, सबको आना चाहिए, मतलब जिसको आता है, कोई भी नहीं, मतलब जिसको आता है मैकेनिक को। बाकी सामान आप ओरिजिनल लाओ। ऑयल में सोच रहा कौन सा, पहले सोच रहा यहाँ वहाँ कर लो, पर यार ऑयल सारे सही होते हैं, बस ग्रेड का फर्क पड़ता है उसमें। जैसे 150cc है उसके अंदर भाई W10 से लेकर W क्या बोलते हैं 20 लड़ाएंगे, ऐसे भी लड़ाएंगे। देखते हैं मोटर वगैरह का, देखूंगा मोटर वगैरह का ला के देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो यहाँ का डला है कंपनी से ही। और इसकी हालत बता दूंगा आपको, अभी मैं खड़े करके आपको मैं यहाँ बताता हूँ। और यहाँ देखो भाई कितना अच्छा कर दिया वाला, पहले यहाँ पेंटिंग नहीं थी, अभी कितनी अच्छी पेंटिंग कर दी है। तो एक बार अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी हालत, तो इसकी हालत देख लो भाई, ये भी गायब है। और चोट बंदे काफी हैं, पीछे ये देखो लोगों भी गायब कर रखा है। और हालत देख लो कितनी गंदी है यार, इतनी गंदी का भाई मेरी हुई नहीं अभी तक। और ये इसलिए रखी सर्विस के लिए। बाकी मेन तो इसका पर्पज वही है कि भाई क्लच प्लेट का काम है इसका, क्योंकि स्पीड छोड़ रही है, काफी देर से छोड़ रही है स्पीड। अच्छा यार, आपको एक और बात बता दूंगा, मेरी बाइक के साथ हमेशा ही यही होता है, जब भी ये डॉक्टर सर्विस सेंटर के पास जा रही होती है, मैकेनिक के पास जा रही होती है, तब अपने आप ठीक हो जाती है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो मेरे को कमेंट करके बताना जरूर भाई। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, वहाँ जाकर दिखाऊंगा। ऐसे कभी कोई सर्विस नहीं चलता था बहुत पहले, तो वो ठीक हो जाता था वहाँ जाके। अब देखो ऐसे क्लच प्लेट होगा, बताया ना मैंने कि आपको स्पीड छोड़ रही है, अब देखो काफी देर से मैं छोड़ नहीं रही, पर यह कि मेरे को पता है कि ये छोड़ेगी, क्योंकि थोड़ी गर्म होगी ना, अपने आप छोड़ेगी, पर स्पीड नहीं छोड़ रही है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ तो मेरे को बताना यार, कवर करके होता है कि नहीं होता, कितनी बार हुआ हो, हर बार ही होता है। जब भी सर्विस कराने जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाओ तो एकदम सही, बढ़िया, खराब ही नहीं हो रही। तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। और बाकी ठंड बहुत हो गई यार भाई, थोड़ा पहनो गर्म कपड़े, मेरा खुद लग गया। आदत है ना भाई, बिना उसके रह नहीं सकते, किसके क्या बोलते हैं, बिना इसके निकल के तो आदत है भाई निकल में रहने की, तो इसलिए ठंड लग रही आती है बहुत। और बाकी भाई एनिमल्स की मदद करो, इस समय भाई ठंड लग रही होती है उनको बहुत, कपड़े कपड़े दो थोड़े, नहीं तो कंबल कुंबल दे दिया करो स्ट्रीट डॉग वगैरह को, तो वो सही रहता है। हेल्प करो सबकी। सो गाइस अब सर्विस हो चुकी है पूरी और पहली बार ही करवाई है। आपको पता ही है मैं जल्दी से खुलवाता नहीं बाहर, तो रिहान भाई के कहने में यहाँ पर खुलवाई थी, तो देख लिया मैंने खुलवा के। और बाकी क्या रिजल्ट आता है इसका, कैसे चलती है बाइक, अच्छी चलती है बुरी चलती है, आने वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी जस्ट सर्विस हुई है। बाकी ये कि इमरान भाई ने जो जिस भाई ने काम किया है उसको उससे भी मिलवाता हूँ आपको मैं। बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने, तो उसके हिसाब से सही है। बाकी आपको शॉप के बारे में बता सकता हूँ, अगर आप एक बार अंकल से बात कर लो, ये अंकल हैं यहाँ के ओनर हैं। तो अंकल ये बता दो आपकी शॉप कहाँ पड़ती है, एक बार बता दो एड्रेस। ये D-267 पड़ता है, अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, हरीकोटी रोड कहलाता है। ये अलशिफा हॉस्पिटल के नज़दीक है, नियर अलशिफा हॉस्पिटल। अलशिफा हॉस्पिटल के नज़दीक है, अंकल ने बता दिया। बाकी ये कि मेन भाई आपका ये, जैसे मैं आपको बताते हूँ कि जेन्युइन मेरा आपको पता ही है कि मैं कितना जेन्युइन रखता हूँ हर चीज़ें। बाकी ये है कि अंकल यहाँ से अगर जो भी पार्ट मंगाना चाहोगे हर कंपनी के जेन्युइन पार्ट मिलेंगे। अंकल खुद ही इन पार्टों में डील करते हो अंकल आप हैं? जी हाँ, अंकल खुद जेन्युइन पार्ट में डील करते हैं। हीरो होंडा के वगैरह के सारे देख लो आप, पूरे बजाज, हीरो होंडा सब में मतलब डील करते हो आप। तकरीबन सबके पार्ट मंगाने होंगे तो आपको हर बाइक के आ जाते हैं। बाकी सर्विस करवानी होगी तो आप करवा लेना। सो गाइस इमरान भाई से बात कर देते हैं। इमरान भाई इन्होंने पूरा बाइक का काम किया है और काफ़ी टाइम लगा के काम किया भाई। अब देखते हैं भाई क्या फ़र्क पड़ता है ना। मैं यार इन पब्लिक को बोल ही रहा हूँ कि आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि एकदम से तो पता लगेगा नहीं। बाकी भाई ने प्रोडक्ट सारे ओरिजिनल लाए हैं आपने? जी बिल्कुल ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल लाएंगे और तसल्ली से काम करेंगे भाई। अब दिखाई दिया आपको मैंने शॉर्ट में, बहुत तसल्ली से काम किया भाई ने। और बाकी रिजल्ट आपको मैं बता ही दूंगा आने वाले वीडियो में। बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह सब आपकी अलग अलग रहती है, वो आप बता ही दोगे आप। और जो भी है मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और वो मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, तो आप बात कर लेना भाई से कि मेरा कितना कितना खर्चा आ रहा है और भाई बता देंगे कि कितना खर्चा आता है। बाकी आपका शॉप में कितना परसेंट डिस्काउंट रहता है? कम से कम 10% सामान में भी और जाके लेबर में सब में मिलेगा। और बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं बढ़ेगा ही। अगर बढ़ेगा, अगर वो कंपनी के पे डिपेंड करता है कि कंपनी से आगे से कैसा पार्ट मिलता है आपको। अगर बड़ा मिलेगा तो बड़ा बता देंगे। और ये है कि सारा पार्ट आपके जो है वो जेन्युइन मिलेंगे। अगर आप एक बार कॉल करके पूछ लेना भाई से कि कुछ भी अगर आपने बाइक की सर्विस करानी। बाकी आपको मैं बता दूंगा, इंस्टा में बता दूंगा, नहीं तो आने वाली वीडियो में बता दूंगा कैसे चल रही है, स्मूथ चल रही है बाइक नहीं चल रही है। बाकी आओ तो इमरान भाई से मिल लेना, इमरान भाई ने बहुत अच्छा काम किया, मेरा भी अच्छा काम किया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सो भाई सर्विस तो होगी है, और सर्विस होने के बाद जो मक्खन चल रही है ना भाई, बता नहीं सकता आपको मैं। भाई स्पीड नहीं छोड़ रही, पहले था कि स्पीड छोड़ रही थी, मज़ा आ रहा है, कुत्ते की तरह भाग रही है, मज़ा आ रहा है। बाकी गियर डोर सब स्मूथ हो गया, हर चीज़ मस्त हो गई है। तो सर्विस करा के कितना फर्क पड़ता है यार, ये तो देखते ही। और वाह सनसेट हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है। और अभी जल्दी जा रहा हूँ, पेट्रोल पंप को लग नहीं रहा था पहुँच ही जाऊँगा, लग रहा नहीं रहा था। पहले इतनी कम थी इसमें फुल, और बाकी पहुँच ही जाऊँगा लग रहा है मेरे को। ये फ्लाई ओवर हो रहा है क्योंकि प्रीमियम हर जगह मिलता नहीं। बाकी सर्विस का क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये अगर आप भी जेन्युइन कराते हो सर्विस तो आपको पता ही होगा कि भाई, और जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है कितना सोच समझ के कराता हूँ सर्विस में, और कैसी जगह ढूंढ के करवाता हूँ मैं। और अब इतना पता लग गया भाई, जगह कोई भी होगा मैकेनिक के हाथों में होना चाहिए भाई जो है, क्योंकि तेजबंदी जो करे ना कि जल्दबाजी में निपटा रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, तो वो भाई मैकेनिक सही नहीं है। जो हमें तसल्ली से कर रहा है, चाहे वो अपने वो बंदे नहीं देख रहा बल्कि तुम्हारा काम करेगा पहले, ये है। अब इसमें ये जो इमरान भाई इन्होंने ये किया भाई, कितने बंदे आएगा इनके साथ, उन्होंने वो बाइक पकड़ी नहीं कि एक कर रहा तो एक को ही करूँगा, पर तरीके से करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं यार देखने वाली कि और बंदा कैसा काम कर रहा है, और ये नहीं मिलती भाई मेन। और बाकी भाई पूरा कॉस्ट भी मेरे को बहुत कम पड़ी है इसकी। और यही चीज़ अगर मैं सर्विस सेंटर में रहता, हर चीज़ का लेबर लगता है। यहाँ पर अगर आप आओगे ना यार, बड़े चीज़ों का लेबर लगता है, जैसे क्लच प्लेट हो गया और चैन सेट हो गया, इन चीज़ों का लेबर लगता है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। और सर्विस सेंटर में जाओगे तो हर चीज़ का, ब्रेक शू का लेबर आएंगे, इसका लेबर आएंगे, तो बहुत चीज़ों का लेबर लगता है इसमें, तो उसके हिसाब से सही रहता है थोड़ा करवाना। बाकी पहली बार ही कराया, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। और भाग देखो कितनी सही रही है, खैर भागेगी तो उतनी बुलेट जितना नहीं भाग पाएगी, पर यह कि जो मिसिंग मार रही थी वो नहीं मार रही, तो उसके हिसाब से थोड़ा सही है। बाकी इसको इसमें फ्यूल डलाएंगे और फिर देखते क्या है। बाकी हेलमेट के जो रिएक्शन आते हैं वहाँ भी कितने बंदे ने पूछ लिया कि हेलमेट भाई कितने का है, कहाँ से लिया, तो हेलमेट काफ़ी रिएक्शन आता है। किसी ने नहीं देखा होगा भाई, देख लेना, यहाँ का लिंक आ रहा होगा हेलमेट का, आपको मिल जाएगा कैसे मॉडिफाई किया था मैंने। और आने वाले में भाई टाइम में बने रहो मेरे साथ, एक न्यू वीडियो अभी 2-3 आने वाली है, एक ये होगी और एक बोर्ड का ही सामान मंगाया था कुछ मैंने, तो वो भी ये पहले आएगी या वो पहले आएगी, देख लेना जो उनसे पहले आएगी आपको पता लग जाएगा। और थोड़ा वीडियो लेट हो रही है, वो वॉइस क्लैश हो रही है यार, क्योंकि अपने थोड़ी फंस रखा था मैं कहीं, थोड़ा बिजी था तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। तो कोशिश रहेगी भाई रेगुलर आने की। बाकी भाई सपोर्ट किया करो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा, तो मोटिवेशन मिलता है, आपका एक लाइक मिलता है भाई, दिल को तसल्ली मिलती है कि भाई हाँ कोई तो देख रहा है, कोई तो भाई अपने को मोटिवेट कर रहा है। आगे वाले से डराना है, फ्यूल इससे डरना है, प्रीमियम डलाएंगे, तो इसलिए भाई थोड़ा सपोर्ट किया करो मेरे को भी। तो लाइक का बटन दबा दिया करो और शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो या नहीं करते हैं, तो इसलिए करके करा करो सब्सक्राइब वगैरह भी। भीड़ ही बहुत है यार यहाँ, तो कैसे डरूंगा। बाइक वाला कहाँ है भाई? बाइक की भी लाइन नहीं है, पेट्रोल खाली पड़ा। चलो भाई बाइक के लिए खाली मिल गया अपने को, तो लाइन लगानी पड़ती है। हाँ ये रहा ना, ठीक है ये तो यहाँ लगाते हैं। प्रीमियम हो गया, प्रीमियम आ गया, प्रीमियम का आ गया। प्रीमियम के आगे रेट ज़्यादा है भी आगे। प्रीमियम का नया नाम बदल गया भाई, आजकल आपको XP95 मिलता है। तो वीडियो को वैसे लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग। तब तक के लिए मोई लो, नहीं मिल तो खोई लो और खोजो जरूर।